Neymar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Paradise Function Palace. Booking are open. Lakshmi Nagar Colony, Mehboob Nagar. MM Jewelers. Gold, silver and diamonds. Beside Model Basic School, 5 Chaurasta, Mehboob Nagar. Assalamu alaikum Nazreen. Metro News Updates mein aapka istiqbal hai. Aaiye badhte hain aaj ki taza khabar par. मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट और सदर जिला मजलिस के MIM पार्टी में 50 साल मुकम्मल होने पर मजलिसी कायदीन और कारकुनों की जानिब से एक तहनीती तकरीब बामुखाम HN फंक्शन हॉल महबूब नगर में मुनाकिद की गई। इस तहनीती तकरीब में मेहमान खसूसी की हैसियत से समद बिन अब्दाद ने शिरकत की। जाबर बिन सईद अल जाबरी कोऑर्डिनेटर इंचार्ज की निगरानी में हादी साहब के चाहने वालों ने कसरत से इनकी गुलपोशी और शॉलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। बाद अजां सैयद सादतुल्लाह हुसैनी मजलिसी फ्लोर लीडर और सदर टाउन मजलिस ने मीडिया से मुखातिब करते हुए इनके सियासी सफर पर रोशनी डालते हुए कहा कि इन 50 साल दौर में कायद ने कई कुर्बानियां दी हैं और उन्होंने जेल में रहकर इम्तहान दिए, कौम के हर मसले पर आगे रहे हैं। मजलिसी कायदीन और कारकुनों को इनके नक्शे कदम पर चलते हुए कौम और मिल्लत की खिदमत करने का मशवरा दिया। आइए इनके तहनीती तकरीब के कुछ झलकियों पर डालते हैं एक नज़र। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महबूब नगर की जानिब से HN फंक्शन हॉल में एक तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई। जनाब मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट साहब सदर ज़िला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 1974 में मजलिस की शुमूलियत अख्तियार की थी। आज 2024 को मुकम्मल एक ही जमात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 50 साल होने की खुशी में तहनीती तकरीब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों की जानिब से और जावेद बिन सईद साहब की निगरानी में मुनक़िद किया गया। वो ऐसे पुरशुभ हालात में जो जमात कायम हुई 1974 में, जब जुल्म पुलिस का इतना बढ़ गया था कि लोग चौरस्तों पे कोई भी अगर ठहरता तो पुलिस की गाड़ी आकर जो है उनको हिरासत में लेके हरासा करती थी, ऐसे दौर में कई एक मसाइल को हल किया। मुसलमानों के मसाइल, मसाजिद के मसाइल, दरगाहों के मसाइल और मिली मसाइल और जो है बुनियादी मसाइल जो उन्होंने 50 साल दौर में जो पूरे किए, इसके साथ साथ 1987 में जो है वो नासा के केस में डिग्री में थे जब जेल को भी भेजा गया, वहाँ पर
जो आज टाटा का कहलाया जाता वो नासा का केस बुक किया गया था। उसके बाद डिग्री का एग्ज़ाम इम्तिहान जो है अब्दुल हादी साहब ने जेल में लिखकर कामयाब हुआ था। और उस दौर में लोग डराते थे कि बड़े बड़े ओहदेदार आकर ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़ दो वरना आपके ऊपर ऐसे ही केस बुक किए जाएंगे। तो ऐसे दौर में जब जुल्म पुलिस का इतना था तो बग़ैर डरे जो है आज तक जमात को मुत्तहिद करते हुए मुसलमानों के दिलों को जीतते हुए मुत्तहिद होकर जमात के काम को कारगर्दगी को आगे बढ़ाया। और ऐसे कायदीन को हम सलाम करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं। और मैं तमाम मजलिसी कायदीन को भी हमारे कारकुनों को कायदीन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही जो है अब्दुल हादी साहब ने जो कुर्बानियाँ दी हैं जमात के लिए वो कई बार जेलों को जाना पड़ा। तो मैं कारकुनों को हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, हमको अब्दुल हादी साहब का एक नमूना देते हुए हमको भी इसी तरीके से मिल्लत के इत्तेहाद के लिए और कौम के इत्तेहाद के लिए हमको आगे बढ़ना है। उनको देखते हुए हम अपने कारगर्दगी को आगे बढ़ाना है। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।